उसके लिए आप मेरे सोशल मीडिया पे देखिए, बट इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर द कंट्री एंड वी जस्ट प्रे फॉर हिम। इतने पेड़ गिर गए हैं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ हम नहीं, जितनी भी जनता है, अगर वो सिर्फ अपने घर के बाहर जाके सिर्फ अपने अपने पेड़ों का ध्यान रखें, जो बाहर जो सड़क पे पेड़ हैं और उनको वाटर करें, या अगर कहीं जहाँ मौका मिले कि जगह है पेड़ लगाने के लिए, लगाने की जो सही जगह है वहाँ लगाएं, तो इट बी ग्रेट फॉर आर कंट्री, फॉर आर सिटी एंड फॉर द होल यूनिवर्स। I am very grateful that Ajay sir is here, but Vishwas ji's initiative is what made us come together. Vishwas ji came to us at Mega Foundation and together and with Chan, and we've sort of made this happen. But when role models like Ajay ji come here and his son you plants a tree and then decides to take it forward and become a tree parent, it makes a very big difference for the future generations to come. We just want to create awareness. Ajay sir, iconic sportsperson Milkha Singh हमारे बीच में नहीं है, क्या कुछ कैसे याद करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए आप मेरे सोशल मीडिया पे देखिए, but he was it's a great loss for the country and we just pray for him. विश्वास जी, जैसा कि जिम्मेदारी बहुत है, बहुत सारे पेड़ आपके एरिया में, अगर मैं बात करूँ जुहू और सोहा से लेके सर आए हैं, ज्वाइन किए, तो और कितना ये काम और आगे आने वाले और क्या होने वाला है? या डेफिनेटली, आज 19 जून है, 17 मई का जो साइक्लोन आ गया उसके बावजूद जो भी हमने देखा है, आप सभी को पता है कि इतना सारा नुकसान एनवायरनमेंट का हो गया है, तो इसको नुकसान को कैसे कंपनसेट किया जाए, ये जब हमारे दिमाग में बात आई तो हमने ये कंसेप्ट जो कैंपेन है अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पीट एंड बी अ गार्डन ऑफ ग्रीन्स, तो उसमें ये BMC की तरफ से जो कैंपेन चल रहा है, हमको एसोसिएशन मेगा इज अ मेक अर्थ ग्रीन अगेन, मेगा फाउंडेशन के अनुषा मैम है, वृक्ष नर्सरी के शान जी है, और इनके साथ जब भी अजय सर जैसे सेलिब्रिटी हमको सामने से आते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो काफ़ी हौसला बढ़ता है और उससे हम लोग काफ़ी पेड़ लगा सकते हैं। तो इसी बात को मैं कहना चाहूँगा कि सर से मैं अभी घर पर बात कर रहा था चाय पीते समय, तो सर ने ही सामने से पूछा कि जब भी कोई अगर ऐसा फाउंडेशन के मेरे खुद के फाउंडेशन की तरफ से हजारों पेड़ लगाने के लिए तैयार हूँ, तो ये जो सर अभी बातों में जो आपने बताया, लेकिन उससे फिर हमारा दुगना नहीं 100 गुना हौसला बढ़ गया, ताकि हम आगे जाके ये कैंपेन को अगर इस तरह से अगर बड़ा बना सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें मैं सर को तो थैंक यू बोलना ही चाहूँगा, लेकिन सर ने ही इज़ ट्राइंग टू सेट एन एग्जाम्पल विथ कमिंग युग के साथ, क्योंकि युग ही इज़ द नेक्स्ट जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन को जो हम शाश्वत विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यही है कि आज के रिसोर्सेज हमारे आने वाले पीढ़ियों को मिलने चाहिए, उतने ही रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर सके। तो ये जो मैसेज सर ने युग को लेके यहाँ पे लाके दिया है, इट इज़ रियली ब्रिलियंट एंड आई रियली थैंक यू सर वंस अगेन।